और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है थर्ड मैन दिशा में। चार रन आते ही अपने बल्ले का जोर दिखाते हुए सीमा रेखा पार। और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा मंगल मूर्ति वर्सेस फिट फॉर लाइफ। अगली गेंद लेकर ऋषभ रंगरेज ब्रश एंड से और रिवर्स स्वीप खेल दिया है वहां पर स्लिप और गली के बीच में से चार रन। आते ही दो गेंदों पर दो चौके लगा दिए दो गेंदे आठ रन। और काफी अच्छी गेंद खेलना का ही चाहते थे गेंद गई विकेट कीपर के स्थानों में डॉट गेंद। और कलाइयों के सहारे मोड़ दिया वहां पर बैकवर्ड शॉट लेग पर एक रन के लिए एक रन का इजाफा। और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे वहां पर फील्डर चुस्त दुरुस्त डॉट गेंद। करण अडवाणी और हनी की जोड़ी मैदान पर मौजूद काफी धाकड़ बल्लेबाज अपने टीम के। और कलाइयों के सारे घुमा दिया वहां पर हल्की सी मिसफील्ड फील्डर द्वारा लॉन्ग ऑन का फील्डर जब तक फील्ड करे एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 10 रन बिना कोई विकेट गवाए फिट फॉर लाइफ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी कड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। दोनों ही टीमें काफी उम्दा प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता में जो भी ये मैच जीतेगा वो टॉप टीम घोषित होगी इस लीग इस ग्रुप की। काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आई है दोनों ही टीमें। गेंद सौंपी है कप्तान ने अफसर के हाथों में। और हवाएं तेज होती हुई मेकोसोवाक के मैदान में खूबसूरत मुकाबला का आनंद लेते हुए दर्शक। और फुल टॉस खेल लिया वहां पर पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में चार रनों के लिए पटकी हुई गेंद को भेज दिया सीधा ही और फिर घुमाकर खेलना चाहते थे शरीर पर जाकर टकराई एक रन का इजाफा। लेग बाइस का इशारा एम्पायर द्वारा। और आगे आकर घुमाना चाहते थे गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद। अफसर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम की ओर से।
अब सर राइट ऑफ ओवर द विकेट कॉमेंट्री बॉक्स एंड से सामना करेंगे करण। और काफी खूबसूरत स्ट्रोक गेंदबाज के सर के ऊपर से, वहां पे मौका बन सकता था, काफी अच्छा एफर्ट अम्बू द्वारा, लेकिन जी जान लगा दी वहां पर, काफी अच्छा एफर्ट, कुछ इस तरह के एफर्ट की जरूरत होती है गेंदबाज को, कप्तान को, काफी अच्छा एफर्ट। अफसर अगली गेंद लेकर और घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का भीतरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। अफसर अगली गेंद लेकर और खेल दिया है उठाकर एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से, चार रन के लिए सीमा रेखा पार। दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 21 रन, बिना कोई विकेट गवाए, फिट फॉर लाइफ। दो ओवर 21 रन, 21 फॉर नो लॉस। और सामने जो आपको रंगरेज ब्रश का बोर्ड दिख रहा है, उसके ऊपर अगर डायरेक्ट कोई बल्लेबाज सिक्स हिट करता है तो उन्हें 1001 की नकद राशि दी जाएगी। रंगरेज ब्रश इनकी ओर से, बंटी भैया और बिट्टू भैया इनकी ओर से, हमारे मेन स्पॉन्सर रंगरेज ब्रश। और सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर झाड़ के ऊपर डायरेक्ट गेंद लगती है तो 6 रन करार दिए जाएंगे। हमारे मेन स्पॉन्सर S&S स्टडी सर्कल, रगरेज ब्रश, ऑरियन, न्यू इन्वेंशन इन LED TV, JP इंश्योरेंस, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। RPCL 6 सफल बनाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान। और काफी अच्छा स्ट्रोक कवर पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। रवि जांगे गेंद और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे करण,
लेकिन काफी अच्छी विकेट कीपिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आते हुए। रवि जांगे काफी बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में, गेंदबाजी का भार संभाले हुए, लेफ्ट आर्म राउंडी विकेट। सामना करेंगे करण रवि रंगरेज ब्रश एंड से। और हवा में गेंद काफी ऊंची गई है और कैच लपक लिया गया बाउंड्री लाइन के ठीक पास में, और ये पहला झटका लगता हुआ करण के रूप में। और फील्डर थे अमित शमशेरिया अम्मू। हेलो 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 हेलो। रवि जांगे 10 साल से रणजी खेल रहे हैं और मैदान पर उपस्थिति निभाते हुए अपने उम्दा खेल के जरिए काफी अच्छे गेंदबाज है अपने टीम के। 10 साल से रणजी का अनुभव और उसका छोटा सा नमूना दिखाया उन्होंने अभी यहाँ पर, करण को पवेलियन की राह दिखाई। करण काफी धक्कड़ बल्लेबाज है अपने टीम के फिट फॉर लाइफ के, लेकिन उन्हें कैच आउट कराकर वापस पवेलियन भेज दिया रवि जांगे ने। रवि अगली गेंद लेकर और लेग साइड की दिशा में 6 रन, तारा मंडल में गई गेंद, दर्शक बने फील्डर। और ऑफ स्टंप के दिशा में दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त रन आता हुआ, एम्पायर का इशारा वाइड। और लेग साइड की दिशा में खेल लिया स्क्वायर लेग का फील्डर, जब तक फील्ड कर पाए 1 रन पूरा किया, 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। रन संख्या 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फिट फॉर लाइफ। और हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर कवच की दिशा में 1 रन के लिए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फिट फॉर लाइफ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन ओवर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और सामने जो आपको रंगरेज ब्रश का बैनर दिख रहा है उसके ऊपर अगर डायरेक्ट कोई सिक्स हिट करता है तो उसे 1001 का नकद राशि दी जाएगी रंगरेज ब्रश इनकी ओर से, बिट्टू भैया और बंटी भैया इनकी ओर से। और गेंद सौंपी है कप्तान ने मंगेश के हाथों में, मंगेश यादव अगला ओवर लेकर, व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। सामना करेंगे बल्लेबाज प्रवेश, प्रवेश और हनी की जोड़ी मैदान पर पिच पर मौजूद, और काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें काफी धुरंधर टीमें हैं और इस मैच में जो जीतेगा वो लीग में टॉप कर जाएगा, इस ग्रुप में टॉप कर जाएगा। और एम्पायर से हमारा
नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें क्योंकि इसके बाद और मुकाबला होने वाला है। जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करवाएं। मंगेश सामना करेंगे प्रवेश, राइट ऑफ द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से लेफ्ट ऑफ द विकेट, मंगेश यादव। और घुमाना चाहते थे वहां पर, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए मंगेश। मंगेश लेफ्ट ऑफ द विकेट, सामना करके प्रवेश और लेग साइड की दिशा में दिशाहीन गेंदबाजी, नतीजा एक्स्ट्रा के रूप में अतिरिक्त रन आता हुआ, एम्पायर का इशारा वाइट का। और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई, डॉट गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है मंगेश द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का, हाथ आजमाने का। मंगेश लेफ्ट अम ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से सामना करेंगे प्रवेश। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, फील्डर तैनात। और हवा में गेंद खेल लिया है और वहां पर अच्छा एफर्ट अम्बो द्वारा, लेकिन कैच छिटक गया उनके हाथ से, अन्यथा और एक विकेट मिल जाती। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, टेक कैचेस विन मैचेस, पकड़ो क्या जीतो मैच। मंगेश अगली गेंद लेकर सामना करेंगे हनी। और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, दिशाहीन गेंदबाजी, नतीजा और एक अतिरिक्त रन आता हुआ। और हवाएं चलती हुई 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अगली गेंद। और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, मिस हुई गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन। और एक डॉट गेंद, रन संख्या 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर फिट फॉर लाइफ, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए। और फिर दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, अतिरिक्त रन आता हुआ।
और काफी अच्छी गेंद सम्मान पूर्वक खेल दिया हनी ने, डॉट गेंद। पिछले ओवर में चार वाइड डाले मंगेश ने, स्कोर हो चुका है 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फिट फॉर लाइफ। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फिट फॉर लाइफ। और दोनों ही एम्पायरों से हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द मैच शुरू करवाएं, इसके बाद और मुकाबला होने वाला है, समय काफी सीमित हमारे पास। और काफी अच्छी गेंद नीची रही, खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। रवि जांगे 10 साल से रणजी का अनुभव उनके पास, उसका पूरा उपयोग करते हुए अपने अनुभव का गेंदबाजी में। और गेंदबाज के सर के ठीक ऊपर से दे मारा, काफी अच्छा शॉट, 4 रन के लिए बिली बॉर्डर स्टाइल में समुद्र जी का इशारा। और फिर घुमा दिया है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरे रन के लिए तेजी से भाग पड़े और सफलता पूर्वक पूरा किया, काफी चतुराई से बल्लेबाजी करते हुए प्रवेश और हनी, प्रवेश दिलाते हुए एक बड़ी स्कोर की ओर अपनी टीम को। और काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए प्रवेश, दुविधा मनस्थिति में थे, खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के स्थानों में, डॉट गेंद के लिए। और यहां पर कैच का मौका बन सकता था, स्लिप की दिशा में गई गेंद, 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 43 रन, आफ्टर 5 ओवर्स 43 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वी आर हियर टू विटनेस द मैच बिटवीन फिट फॉर लाइफ एंड मंगलमूर्ति, बोथ द टीम्स आर वेरी मच इन टॉप पोजीशन इन दिस ग्रुप। ये मुकाबला जो भी जीतेगा वो टॉप कर जाएगा अपने ग्रुप से, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए।
और काफी अच्छा स्ट्रोक, कीपर के सर के ऊपर से दे मारा, पैडल स्वीप करते हुए 4 रन के लिए। काफी अजीबोगरीब स्ट्रोक, लेकिन 4 रन प्राप्त किए। एक रन का इजाफा। मंगेश लेफ्ट आर्म और द विकेट, कमेंट्री बॉक्स साइड से सामना करेंगे यानी गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, फील्डर तैनात। और हवा में गेंद कैच लपक लिया गया, हनी के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ फिट फॉर लाइफ को। और काफी अच्छी गेंद, डॉट गेंद। रन संख्या 48 रन। काफी अच्छी गेंद, फिर नीची रही, खेलना कहीं चाहते थे, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, डॉट गेंद। और फुल टॉस गेंद खेल लिया हवा में और कैच लपक लिया गया बाउंड्री लाइन के ठीक पास में, तीसरा झटका लगता हुआ फिट फॉर लाइफ को।
और काफी अच्छी गेंद, उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग स्लिप में खड़े फील्डर द्वारा, एक रन। और काफी खूबसूरत गेंद स्टेडियम के बाहर, आधा दर्जन रन। और काफी अच्छी गेंद वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में, पिछले गेंद पर 6 रन प्राप्त किए थे बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद। और पैडल स्वीप खेलना चाहते थे वहां पे, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन तेजी से 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, 1 रन का इजाफा। और काफी अच्छा स्ट्रोक गेंदबाज के सर के ठीक ऊपर से, 1 रन का इजाफा। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 57 रन। और घुमा दिया वहां पर, और खूबसूरत कैच लपक लिया गया गवस की दिशा में। और घुमाना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। और काफी अच्छी गेंद नीची रही, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को,
एक रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। और काफी अच्छी गेंद नीची रही, बाल बाल बचे, गेंद गई विकेट कीपर के स्थानों में, डॉट गेंद। और काफी अच्छा स्ट्रोक और उतना ही खूबसूरत कैच लपक लिया गया बाउंड्री लाइन के ठीक पास में। अमित डोंगरे द्वारा काफी और लेग साइड की दिशा में हवा में गेंद और ये 6 रन, आधा दर्जन रन। और फिर हवा में गेंद और खूबसूरत कैच बाउंड्री लाइन के ठीक पास में। हेलो 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 8 ओवर की समाप्ति पर 64 रन बना लिए, 65 रन का टारगेट रखा है मंगलमूर्ति के सामने फिट फॉर लाइफ ने। अब आने वाला समय ही बताएगा कौन अपने उम्दा प्रदर्शन से इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में करता है और ग्रुप को टॉप करता है। चुम्मा दूंगी आजा 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 आजा, चुम्मा दे दे चुम्मा, चुम्मा दे दे चुम्मा। क्या बात है,
डीजे डीजे डीजे। चलो मैच चालू होता हुआ, बहुत ही शानदार मुकाबला। पहले ओवर कितने बनाई, फिट फॉर लाइफ ने फर्स्ट बल्लेबाजी कर 64 रन बनाए हैं। मंगल मूर्ति को मैच जीतने के लिए 65 रनों की दरकार। देखना है, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है मंगल मूर्ति में भी, रवि जांगीड़, उसके बाद में उर्वेश पटेल, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस मैच में। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शॉट, रन आउट हो सकते थे, फलस्वरूप मना किया। एक डॉट गेंद, पहली गेंद आती हुई, आगे का भार हमारे भैया संभालेंगे कमेंट्री का। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन भैया, काफी अच्छी शुरुआत एक रन के साथ। और खेल दिया है वहां पर, माफ कीजिएगा, पहला रन आते हुए पॉइंट की दिशा में खेल दिया एक रन के लिए। और स्ट्राइक पर आ गए मंगेश यादव, बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करेंगे करण गेंदबाज रगरेज ब्रश एंड से, सामना करेंगे मंगेश। और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, डॉट गेंद आती हुई, दोनों ही टीमें काफी धुरंधर टीमें, टॉप की टीमें अपने अपने ग्रुप की। इस मुकाबले को जो भी जीतेगा वो टॉप कर जाएगा अपने ग्रुप में। और खेल लिया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे काफी खूबसूरत फील्डिंग फील्डर द्वारा, काफी उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन बाउंड्री लाइन पे खड़े खिलाड़ी द्वारा। एक रन, इसे कहते हैं गजब की फील्डिंग, गजब की फील्डिंग है ना, काफी गजब का एफर्ट लगाते हुए फील्डर। अगली गेंद लेकर करण अडवाणी, और खेल लिया है लेफ्ट साइड की दिशा में स्वीप शॉट, बहुत ही करारा छक्का, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। शॉट की बैठक मारा, टेनिस बॉल की लैंग्वेज में इसे बैठक बोलते हैं। और आधा दर्जन रन अपने खाते में जमा किए बल्लेबाज ने, काफी उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन, बैठकर सीधा ही स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से दे मारा। ये मेकोशा बाग से कहां गई थी बॉल, मेकोशा बाग से सदर की राह पर, सदर का रास्ता नापा गेंद ने। और फिर खेल लिया लेग साइड की दिशा में, एक ही रन मिल पाएगा, एक रन का इजाफा। एक ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 8 ओवर में 64 रन बनाए थे, उसका पीछा करते हुए मंगल मूर्ति ने अपने पहले ही ओवर में कोई विकेट ना खोया और 9 रन बना लिए। सॉरी, बोलो
दीपेश अगली गेंद लेकर, और काफी अच्छी गेंद नीचे रही, यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मान पूर्वक खेल दिया बल्लेबाज ने। टॉड गेंद, कल से हमारे बहुत ही धाकड़ किस्म के जो मैचेस हैं होने वाले हैं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, कल आप मिस ना करें 19, 20 और 21 बहुत ही शानदार मुकाबले इस मैच के लाइव प्रसारण किया जा रहा है WDZ के ऊपर में। और खेल लिया है लेग साइड की दिशा में, और काफी उम्दा फील्डिंग, निश्चित तौर पर कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए। और कल से जो मुकाबले आप देखेंगे, सारे दर्शक ध्यान दें, सारे खिलाड़ी वो टॉप की टीमें होगी इस टूर्नामेंट की। 19, 20, 21 आपको क्रिकेट का आनंद लेना चाहते हैं तो WDZ पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप, और घुमाना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद आती हुई। भैया सबसे पहले तो प्री क्वार्टर होंगे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल एक ही दिन होगा 21 तारीख को। और उम्दा गेंदबाजी, नीची रही डॉट गेंद। और काफी ऊंची गई है गेंद, और ये झटका लगता हुआ मंगल मूर्ति को। और हवाएं तेज होते हुए मेकोजाबाग के मैदान पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। रंगरेज ब्रश के पास जितने दर्शकगण मौजूद, कृपया वो बाहर हो जाए, बाउंड्री लाइन के पास से साइड हो जाइए, क्योंकि फील्डरों को दिक्कत होती है वहां पे फील्ड करने में, और बल्लेबाजों को दिक्कत होती है बल्लेबाजी करने में। रंगरेज ब्रश के पास जितने भी लोग खड़े हैं, भैया हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, आपने आवाज सुने हो तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि बैट्समैन को तकलीफ होती है थोड़ा साइड करवा ले एम्पायर। और काफी खूबसूरत स्ट्रोक गेंदबाज के सर के ऊपर से, 4 रन के लिए एम्पायर बिली बॉर्डन के स्टाइल में 4 रन का इशारा करते हुए समुद्र जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रवि जांगीड़ हैं जो कि विदर्भा से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, हमारे बीच RPCL का मैच खेल रहे हैं रवि जांगीड़। मंगेश यादव बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं साथ निभाते हुए रवि जांगिड़।
हल्के हाथों से खेल लिया एक रन के लिए, एक रन का इजाफा। मंगेश यादव जो है ये आइकॉन प्लेयर है इस टीम में, मंगल मूर्ति में। एक रन का इजाफा। बड़ी बड़ी टीमों में दो आइकॉन प्लेयर के लिए बोला था, वैसे ही हर टीम के अंदर में बहुत ही धुरंधर आइकॉन इस टूर्नामेंट में दिख रहे हैं, जो कि बखूबी अपना स्वाभाविक खेल दिखा रहे हैं दर्शकों को। बहुत अच्छी गेंद, वेरी गुड गेंद। वैसे ही हमारे बीच रवि जांगिड़ जो विदर्भा के सितारे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं विदर्भा से, आज हमारे बीच टेनिस बॉल के टूर्नामेंट में दिख रहे हैं रवि जांगिड़। और खेल लिया वहां पर लेग साइड की दिशा में एक रन के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति। भैया इस टूर्नामेंट में ना बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, जैसे कि कृष्णा सातपुते, उसके बाद में देसाई जी, बहुत बड़े बड़े सितारे आ चुके हैं। इस कोरोना काल की वजह से इस बार वो आ नहीं पाए, क्योंकि बाहर की टीमों को अनुमति नहीं थी। विदर्भा का ही विदर्भ लेवल पे टूर्नामेंट करवाना था, बहुत ही शानदार और जानदार लेवल का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़र कमेटी को, खासकर इरफान रजाक और रोहित भाई, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का बहुत ही सुंदर लेवल पर आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जितने भी स्पॉन्सर्स ने इसमें सहयोग किया, उन सभी का बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन। एक जरूरी अनाउंसमेंट, सभी टीम्स ध्यान दीजिए, जो 12 टीम्स नॉकआउट में पहुंचेगी वो प्री क्वार्टर फाइनल खेलेगी, और उसमें से जो जो 6 टीम निकलेगी उसमें से ड्रॉ डाला जाएगा, जो 2 टीम की चिट उठाई जाएगी वो सीधा सेमीफाइनल पहुंचेगी, और बाकी की 4 टीम आपस में क्वार्टर फाइनल खेलेगी। 12 में से जो 6 टीम बचेगी उसमें ड्रॉ डाला जाएगा, 6 टीम में से 2 टीम निकलेगी वो सीधा सेमीफाइनल पहुंचेगी, और बाकी की जो 4 टीम है आपस में क्वार्टर फाइनल खेलेगी। हमारे कल से नॉकआउट्स के मुकाबले स्टार्ट हो गए। ये ड्रॉ प्री क्वार्टर फाइनल्स कंप्लीट होने के बाद डाले जाएंगे। 20 तारीख को हमारे पूरे प्री क्वार्टर फाइनल्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब टीम मौजूद रहेगी, उनके आगे ड्रॉ डाला जाएगा, सब टीमों के आगे। आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, सभी कप्तान ध्यान दें जो यहां पर मौजूद हैं और जो WDZ के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही दरखास्त करता हूं कि ध्यान देना। काफी अच्छी गेंद नीचे रही, लेग बाई का इशारा एम्पायर द्वारा, एक रन का इजाफा। अगली गेंद लेकर गेंदबाज कॉमेंट्री बॉक्स एंड से सामना करेंगे मंगेश, और फुल टॉस बनाकर खेल दिया वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे, एक रन का इजाफा। इसके बाद का जो मैच है नागपुर कॉफ्स वर्सेस डायमंड, मैं दोनों ही कप्तानों से अनुरोध करता हूं कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आकर टॉस करवा ले। काफी अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने नवीन सर, इस पेंडेमिक सिचुएशन में 2 साल का जो गैप पड़ा उसको पूरा करते हुए, भरपाई करते हुए, विदर्भ के सारे ही खिलाड़ियों को मौका देते हुए RPCL, काफी अच्छा आयोजन इस प्रतियोगिता का। अगली गेंद लेकर छह रन, आधा दर्जन रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। ये बॉल कहां से कहां गई ये बताइए, ये मेकोसा बाग से मोमिनपुरा की राह पर। अरे
क्या बात है, बिरयानी खाने का ही बोलते हैं, बिरयानी का लुफ्त उठाने के लिए गेंद। हमें भी बिरयानी मिले ऐसा नवीन भैया का कहना है, बोलता हूँ रोहित भैया को। बहुत ही शानदार शॉट रवि जांगिड़ के द्वारा, और खेल दिया वहां पर लेग साइड की दिशा में, एक रन का इजाफा। रवि जांगिड़ आइकॉनिक प्लेयर है अपने टीम के और आइकॉनिक परफॉर्मेंस देते हुए अपने टीम के लिए। आज हमारे बीच विकास जी ठाकरे आए थे, उन्होंने भी एक बहुत प्यारा अनाउंस किया है कि हम भी पश्चिम नागपुर में एक टूर्नामेंट करवाएंगे, अच्छे बड़े लेवल का। पश्चिम नागपुर क्या है, वो पूरे नागपुर के लिए ही टूर्नामेंट रहेगा जो विकास जी ठाकरे जी ने आज उसकी परमिशन दी है। आने वाले साल में वो भी टूर्नामेंट देखा जाएगा। चौबीस बॉल पे 35 रन लग रहे हैं, बल्लेबाजी टीम ध्यान दे, 24 बॉल 35 रन। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में दो साल से जब सब कुछ रुका हुआ था, इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करना काफी अच्छा कदम, क्योंकि इम्यून पावर बढ़ता है इस तरह के खेल से, सारे ही लोग जमा होते हैं, उत्साह आता है सभी लोगों में। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने में काफी सहयोग इस तरह की प्रतियोगिताओं से। मैं तो हमेशा ही धन्यवाद कहूंगा कि जो आरपीसीएल के साथ जुड़े हैं, जो आरपीसीएल के साथ जुड़े हैं और जो हमेशा अपना सहयोग, अपना स्पॉन्सरशिप आरपीसीएल को देते हैं, मैं उन सभी स्पॉन्सर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर में जो देख रहे हैं आप, ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत, और इरफान भाई और रोहित भाई, इनकी बदौलत ये टूर्नामेंट का आगाज हम दो देख रहे हैं। जोरदार अपील और विकेट का पतन होता हुआ, मंगेश यादव बैट का भीतरी किनारा लेकर विकेट कीपर के स्थानों में, और विकेट कीपर ने काफी खूबसूरत कैच लपक लिया और विकेट का पतन होता हुआ या मंगेश के रूप में। और सामने जो आपको रंगरेज ब्रश का बैनर दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, उसके ऊपर अगर कोई बल्लेबाज डायरेक्ट सिक्स हिट करता है तो उन्हें 1001 की नकद राशि दी जाएगी। रंगरेज ब्रश इनकी ओर से, बंटी भैया और बिट्टू भैया इनकी ओर से एक ब्रश भी दिया जाएगा, एक डायनामिक ब्रश दिया जाएगा, रंगरेज ब्रश इनकी तरफ से। आरपीसीएल का ये आरपीसीएल 6 का ये नवा दिन, नवे दिन का ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला, फिट फॉर लाइफ वर्सेस मंगल मूर्ति। फिट फॉर लाइफ ने निर्धारित ओवरों में 64 रन बना लिए और 65 रन का टारगेट रखा है मंगल मूर्ति के सामने, और दोनों ही टीमें जो भी जीतेगी वो टॉप कर जाएगी अपने ग्रुप में। भैया कितना जुनून लगता है ना ये प्लेयरों के अंदर में जब खेलते हैं तो। जी बिल्कुल सही कहा नवीन भैया आपने, इतनी सर्द मौसम में इस तरह का खेल दिखाना और पूरा 200% एफर्ट लगाना काफी अच्छा, यहाँ पर क्रिकेट का आनंद लेते हुए सभी दर्शकगण। बहुत ही लाजवाब शॉट और लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन का इशारा बिली बोर्डन स्टाइल में समुद्र जी द्वारा हमारे आज के एम्पायर, आधा दर्जन रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, बॉल स्कोर आगे बढ़ता हुआ से सदर की ओर जाती हुई। ये हमारे भैया के लव्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, छावनी जारी बोलते छावनी। बैट्समैन नेम भैया आदित्य, व्हाइट बॉल का इशारा। और काफी खूबसूरत गेंद, नीची रही, खेलना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद
गई ऑफ साइड की दिशा में, एक रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। और नवीन भैया क्या लगता है किस ओर जा रहा है ये मैच? भैया बैटिंग का पड़ला इसलिए भारी लगता है कि उनका एक ही विकेट पतन हुआ है और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि जांगिड़, साथ में जो आदित्य आए हैं उन्होंने भी बहुत ही तगड़ा छक्का लगाया अभी। और रन गति जो है वो सिंगल डबल चल रही है तो बैटिंग का पड़ला बखूबी ज्यादा भारी लगता है बॉलिंग के मुकाबले। जी बिल्कुल सही कहा, काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई मंगल मूर्ति इनकी ओर से। टेनिस बॉल में एक चीज है, छक्का मारो सिंगल ले लो 10-12 रन बनाओ मैच क्लोज लाओ, ये ही सिचुएशन रहती है टेनिस बॉल के मैचेस के अंदर में। और फिर खेल लिया गेंदबाज के सर के ऊपर से और काफी खूबसूरत कैच, बाउंड्री लाइन के ठीक पास में लपक लिया गया, कोई गलती नहीं की वहां खड़े खिलाड़ी ने, और एक झटका लगता हुआ आदित्य के रूप में। यही संयम से खेलते तो आज ये भैया वहां खेलते रहते, अंत तक ले जाते इस मैच को और रन गति बढ़ाने के प्रयास में अपना विकेट गवाया आदित्य ने, जहां कोई जरूरत नहीं थी, 1-6 आ चुका था ऑलरेडी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। नए बल्लेबाज है अम्बू, देखना है अपने टीम के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं अम्बू। 40 रन हो चुके हैं, विकेट बोलो ओवर बोलो 40 रन 3 विकेट और 5 ओवर, 40 रन 3 विकेट और 18 बॉल पे 25 रन की जरूरत। भैया हमारा कुल्फी वाला भैया घूम रहा है, अगर आपको ठंडी में ठंडी का मजा लेना है तो जरूर इनकी कुल्फी खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट है और हमारा भाई भी बहुत स्वादिष्ट है। 18 गेंदे 25 रन, 18 गेंदों पर 25 रन की दरकार ये मुकाबला जीतने के लिए मंगल मूर्ति को। और स्ट्राइक पर है अम्बू, दाएं हाथ के बल्लेबाज अम्बू सामना करेंगे गेंदबाज का, गेंदबाज तैयार बल्लेबाज तैयार फील्डर तैनात। और पॉइंट की दिशा में खेल दिया हल्के हाथों से एक रन के लिए, 17 गेंदे 24 रन। और काफी बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच, फिट फॉर लाइफ और मंगल मूर्ति दोनों ही काफी जानी मानी टीमें, काफी अनुभवी टीमें। पूरा मैच का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा, इस ओवर में पता चलेगा कि मैच किसके पाले में जाता है। और काफी खूबसूरत गेंद नीची रही, चकमा दिया बल्लेबाज को, 16 गेंदे 24 रन और ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा ये ओवर, देखना है इस ओवर में क्या घटता है। और रवि जांगिड़ जो विदर्भ के प्लेयर है, काफी जाना माना नाम, 10 साल का अनुभव उनके पास रणजी खेलने का, स्ट्राइक पर। और खेल दिया है वहां पर, हवा में थी कुछ देर के लिए, एक रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। ठीक लग रहा है मेरे को, बैठ जाऊंगा तो दर्द होने लग जाएगा। दे देना कोई भी बॉल ले ले, खराबी तो है वो, ये सारे बने हुए बॉल है, ये भी खराब है, ले सारे के खराबी है मैच में क्या कर रहे हो। और खेल दिया वहां पॉइंट की दिशा में, एक रन का इजाफा, थ्रो डायरेक्ट अगर लग जाता तो रन आउट का मौका बनता, दूसरा रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां एक रन होना चाहिए था वहां दो रन मिल गए बल्लेबाजों को, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अम्बू द्वारा। जो ये मैच नहीं देख पा रहे लाइव यानी ग्राउंड में, वो WDZ के ऊपर में घर बैठे इस मैच का मजा ले सकते हैं। अरे बहुत ही करारा छक्का, क्या बात है, और आधा दर्जन रन अम्बू के बल्ले से निकलते हुए, अम्बू
वापसी दिलाते हुए इस मैच में। देखिए क्रिकेट जो है भैया, ये मैच अब बॉलिंग साइड जाता हुआ, मैंने बोला था आपको कि ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा ओवर जो रहता है ना, इसमें मैच किसके पड़ले में जा रहा है ये पता चल जाता है। वैसे ही बैटिंग और एक रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 12 बॉल 14 रन, 12 बॉल पे 14 रन, ये ओवर में 11 रन आए हैं, बहुत ही महंगे साबित हुए। और पलड़ा जो है, कभी बैटिंग टीम का कभी बॉलिंग टीम का भारी, तराजू के दोनों बाजू में मैच ऊपर नीचे होता हुआ। देखना है आने वाले 12 गेंदों में स्कोर पूरा लक्ष्य हासिल करती है मंगलमूर्ति या फिट फॉर लाइफ अपनी गेंदबाजी के जरिए। इस मैच में 14 रन, 12 गेंदे 14 रन। डायमंड और कॉप्स के कप्तान हाथ जोड़कर निवेदन, आ जाइए टॉस करने, दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाइए। इसके बाद का जो मैच है वो 7-7 ओवर का होगा, 7 ओवर्स बोथ ऑफ टीम। डायमंड नहीं लिखना है, क्या है लिखा है ना, कॉप्स के कप्तान भी बैठे हैं, टॉस कर ले ले। और काफी खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन के लिए भाग पड़े, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया अम्बू ने समझदारी, क्योंकि विकेट नहीं खोना चाहते। अभी 11 गेंदे और 13 रन, 11 गेंदे 13 रन, रवि जांगिड़ स्ट्राइक पर। और खेल लिया 6 रन के लिए, आधा दर्जन रन, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। और हल्के हाथों से खेलकर चतुराई से एक रन पूरा किया क्रिकेट में। बल्लेबाजी से नौ गेंदे 6 रन की दरकार, 9 गेंदे 6 रन। और काफी ऊंचा खेल दिया है और ये कैच लपक लिया गया बाउंड्री लाइन के ठीक पास में अम्बू का, काफी अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी द्वारा। और यहां पर इसके बाद इस मैच के हमारे मैच रेफरी है, मैं चाहूँगा कि वो टॉस के लिए हमारे साथ आए, और दोनों ही कप्तान से अनुरोध करता हूँ कि टॉस के लिए, इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच है। नए बल्लेबाज है अमित डोंगरे, साथ निभाने आए रवि जांगिड़ का। नेक्स्ट मैच जो होने वाला, और हल्के हाथों से खेलकर भाग पड़े एक रन के लिए, और काफी जोरदार अपील वहां पर, और ये 4 रन प्राप्त कर लिए ओवर थ्रो की वजह से, जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन प्राप्त किए और भाग के एक रन पूरा किया।
सात गेंदे और एक रन की दरकार, सात गेंदों पर एक रन, लगभग ये मुकाबला अपने मुट्ठी में कर लिया स्कोर लेवल, सात गेंदे एक रन। इसके बाद नागपुर कॉप्स वर्सेस डायमंड के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। सात गेंदे एक रन, काफी बड़ा मुकाबला, और घुमाना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद, छह गेंदे एक रन, छह गेंदों पर एक रन की दरकार मंगलमूर्ति को। हेलो हेलो, अभी जो इसके बाद जो मैच होने वाला है वो डायमंड वर्सेस कॉप्स, दोनों ही टीम के कैप्टन आ जाए और टॉस कराए जल्द से जल्द। अगला मैच बहुत जल्दी चालू करना है, समय को ध्यान में रखते हुए और ठंडी के बढ़ते हुए इस कहर से। छह गेंदे और एक रन की दरकार, छह गेंदों पर एक रन, और स्ट्राइक पर है रवि जांगेड़, विदर्भ के खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, फील्डर तैनात और क्लोज फील्डिंग लगाए हुए कप्तान, और खेल दिया वहां पर स्लिप की दिशा में, और इसी के साथ ये मुकाबला अपने कब्जे में करते हुए मंगलमूर्ति, वी कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द टीम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट, और मंगलमूर्ति ये मुकाबला जीतते हुए। मैं बहुत बहुत